काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत सारे फैसले लिए। उनके कुछ फैसलों को सराहा गया तो कुछ आज भी विवादास्पद है। शाह बानो केस हो या फिर अयोध्या का मसला या बोफोर्स कांड की ही बात कर ले, इन सब के लिए राजीव की आज भी आलोचना होती है। लेकिन राजीव ने कुछ बड़े कदम भी उठाए। पंजाब, असम और मिजोरम समझौते के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब साल 1988 में राजीव के द्वारा किए गए एक और करिश्मे की आज हम बात करेंगे। भारत का सबसे पेंचीदा पड़ोसी है चीन। कब किस ओर जाएगा कहना मुश्किल है। ताकतवर भी है, एक युद्ध हम उससे हार भी चुके हैं। तो साल 1988 में कुछ ऐसा हुआ जब चीन भारत की बात मानने पर राजी हो गया। बात भी ऐसी मानी कि अगले 21 सालों तक भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर कोई तनाव नहीं हुआ। नमस्कार, इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात करेंगे साल 1988 की। में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था जिससे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई थी। दोनों देशों के बीच फिर से दोस्ती शुरू होने और संबंधों को आगे बढ़ाने में राजीव के दौरे का काफी बड़ा रोल था। ये एक ऐतिहासिक कदम था। तब 1962 के भारत चीन युद्ध के 26 साल बाद राजीव ने चीनी नेता डेंग जियाओपिंग से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश की। इसे भारत के सबसे पेंचीदा पड़ोसी माने जाने वाले चीन के साथ संबंध सामान्य होने में काफी मदद मिली। 1954 के बाद इस तरह की यह पहली यात्रा थी। राजीव के चीनी प्रीमियर डेंग शियोपिंग के साथ खूब पटरी बैठती थी। कहा जाता है कि राजीव से 90 मिनट तक चली मुलाकात में डेंग ने उनसे कहा, तुम युवा हो, तुम ही भविष्य हो। अहम बात यह है कि डेंग कभी किसी विदेशी राजनेता से इतनी लंबी मुलाकात नहीं करते थे। इस मुलाकात के बाद साल 1988 से लेकर 2009 तक दोनों देशों के बीच शांति कायम रही। साल 1988 में आजादी के बाद पहली बार भारत ने विदेशी धरती पर कोई सैन्य कार्रवाई की, जो आज भी ऑपरेशन कैक्टस के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 3 नवंबर 1988 में श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंचे। स्पीड बोट्स के जरिए मालदीव पहुंचे उग्रवादी पर्यटकों के भेष में थे। दरअसल ये योजना मालदीव में तख्ता पलट की थी। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतूफी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर इस योजना का खाका तैयार किया था। अब श्रीलंका में बनाई गई इस प्लानिंग को मालदीव में अंजाम दिया जाना था। 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले की ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सरकारी बिल्डिंगों के साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन भी उग्रवादियों के नियंत्रण में चले गए। उग्रवादियों का मकसद तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम तक पहुंचना था। राष्ट्रपति को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने भारत समेत कई देशों को इमरजेंसी मैसेज भेजा। भारत को संदेश मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बारे में सभी सूचना दी गई। राजीव गांधी ने बगैर वक्त गवाए इस पर एक्शन का मन बना लिया। 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति गयूम की अपील के महज 9 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना नॉनस्टॉप उड़ान भरते हुए हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंचे। ये एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था। हुलहुले से लगूनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंची। इस बीच कोची से भारत ने और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे। उग्रवादियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे उग्रवादियों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। भारतीय सेना ने सबसे पहले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित किया। जमीनी और हवाई कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना के युद्ध पोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माली और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी।
कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सेना माले से उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू किया। वापस श्रीलंका की ओर भागते लड़ाकू ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी नौसेना ने इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी। इसके बाद INS गोदावरी की हरकत से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उसने अगवा जहाज पर भारत के मरीन कमांडो उतार दिए। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। इस दौरान दो बंधकों की भी जान गई। इस ऑपरेशन की अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूख बुलसारा कर रहे थे। दो दिन के अंदर ही पूरा अभियान खत्म हो गया। गयूम के तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की काफी तारीफ की, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। साल 1988 में भारत ने पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया था। इस मिसाइल का विकास केवल एक शुरुआत थी और एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम कदम था। लेकिन इस पृथ्वी मिसाइल को कोई रातों रात विकसित नहीं किया गया। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद की प्रमुख भूमिका थी। उन्हीं की निगरानी में IGNDP कार्यक्रम चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को शुरू करवाया और 300 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया। 1985 में शुरुआती तौर के परीक्षण सफल हुए, लेकिन पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण 25 फरवरी 1988 को ही हो सका। साल 1988 में ही देश में किसानों की क्रांति देखने को मिली। इस आंदोलन में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। दिल्ली से पहली बार किसानों की ताकत देश को देखने को मिली थी। उस दौरान किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब पर कब्जा कर लिया था। 1988 में हुए किसान आंदोलन के कारण पूरी दिल्ली एक तरह से रुक गई थी। लाखों किसान यहां मरने मारने को भी तैयार थे। किसान देश के अलग अलग कोनों से बस, रेल, बैलगाड़ियों से सवार होकर दिल्ली आए थे। लाखों किसान दिल्ली में बोट क्लब पर इकट्ठा हुए। 25 अक्टूबर 1988 का दिन था। तब भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के कहे शब्द आज भी किसानों की यादों में ताजा है। टिकैत ने क्लब में कहा था, खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। जैसे ही टिकैत ने ये लाइन कही, मानो दिल्ली में किसानों का एक सैलाब आ गया। तब बोट क्लब में किसान जम गए थे और सैकड़ों सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। तब दिल्ली पहली बार एक किसान नेता देख रही थी। उस दौरान प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी थे। बोट क्लब पर किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़ गए थे। किसानों की मांग थी कि गन्ने का ज्यादा समर्थन मूल्य मिले, इसके अलावा बिजली पानी फ्री हो। किसान अपना पूरा इंतजाम कर दिल्ली आए थे। किसान कई दिनों का राशन पानी अपने साथ लेकर आए थे। वहीं किसान और सरकार के बीच लगातार समाधान की तलाश की जा रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन दोनों ही पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। हालांकि आखिर में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के जज्बे के आगे राजीव गांधी सरकार झुकती हुई नजर आई। आखिर में करीब एक हफ्ते बाद सरकार ने किसानों की मांग मान ली। मांग मनवाने के साथ ही किसान अपने घरों को लौट गए। इसी साल बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का निधन हुआ था। उन्हें एक फिल्म समारोह के दौरान दिल का दौरा पड़ा और ठीक एक महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते हुए 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों का ये महान फनकार दुनिया को अलविदा कह गया। राज कपूर को 1971 में पद्म विभूषण और 1987 में फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1989 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इन सच लाइव। नमस्कार।